बीसी जोशी कोविड केयर अस्पताल के कर्मचारी नौकरी से हटाए जाने पर आक्रोशित हैं। शुक्रवार को कर्मचारियों ने बीसी जोशी अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया और एसटीएच में समायोजित किए जाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी गोविंद प्रसाद ने बताया कि अस्पताल में 100 से ज़्यादा कर्मचारी कार्यरत थे, जिन्हें एक कंपनी से अनुबंध के तहत यहां पर नौकरी पर रखा गया था। जब 9 माह पहले यह अस्पताल शुरू हुआ था, तब सभी कर्मचारियों को यहां नौकरी पर रखते समय कहा गया था कि अगर बीसी जोशी अस्पताल में उनका अनुबंध समाप्त होता है तो उन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल में समायोजित किया जाएगा। लेकिन बीती 31 मार्च को कर्मचारियों को बताया गया कि अब उनकी सेवा समाप्त की जा रही है। साथ ही मेडिकल कॉलेज प्रशासन कर्मचारियों को एचटीएस में समायोजित किए जाने की बात से मुकर गया। अस्पताल में पार्ट अटेंडेंट के तौर पर काम कर चुकी भागीरथी देवी ने बताया कि कोविड के दौरान कर्मचारियों ने बेहद ही कम वेतन में यहाँ जान जोखिम में डालकर काम किया था और अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 22 लोग बेरोजगार हो गए। हम एवीएसएम से आउटसोर्सिंग से यहाँ रखे गए थे 2021 में, और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 3 महीने का, हमने 3 महीने यहाँ पर सेवा करी। उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते रहे और आज हमें 31 मार्च को यहाँ से बाहर कर दिया गया है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, अगर आगे बढ़ेगा तो हम रखेंगे, अगर नहीं होगा तो मतलब आप बाहर ही हो जाओगे, और इसके बाद क्या कहते हैं, अगर दोबारा सर होगा तो प्राथमिकता दी जाएगी। हम प्राथमिकता नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं हमें यहाँ से सुशीला तिवारी में मार्च कर दें। कहाँ काम करते हैं आप लोग? हम करते हैं यहाँ डीआरडीओ, नाम हमारा डीआरडीओ का, लेकिन हमें काम के लिए सुशीला तिवारी में भेजा गया है। और जब हमें निकाला तो ये बोला कि तुम तो डीआरडीओ के हो और हमें तुम मतलब तुमसे हमें कोई मतलब नहीं, तुमने डीआरडीओ की तरफ से रखा था, अब निकाला भी कहीं से। मतलब इतने दिनों तक जो यहाँ पे अस्पताल में जैसे मरीज वगैरह कम थे तो आपसे एसटीएच में भी सेवाएं ली जाती थी? हमें तो वहीं भेजा था, हम तो वहीं थे शुरू से, वहीं थे, हमें सिर्फ थोड़े दिनों के लिए यहाँ रखा गया, फिर हमें वहाँ भेज दिया गया। हमने वहीं ड्यूटी करी है। ठीक, और समय ये भी बोला गया था कि ये बंद हो जाएगा तो तुम्हें वहाँ शिफ्ट कर देंगे, वहाँ जरूरत है।